दोस्तों, आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने बहुत ही प्यारी सी कमेंट करी जिसको पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि क्लास 10th के एग्ज़ाम हो गए और साइंस साइड सब्जेक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आर्ट साइड के भी सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं इन दोनों में से कौन सी स्ट्रीम लूँ अगर फ्यूचर में मैं IAS बनना चाहता हूँ या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस कमेंट को पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई और मैं आपसे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा क्योंकि आपने अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज पास करने के बावजूद भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, वो बस भेड़ चाल में चले जा रहे होते हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है तो आपके लिए साइंस साइड स्ट्रीम बहुत अच्छी रहेगी या फिर आर्ट साइड स्ट्रीम बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं साइंस साइड स्ट्रीम से रहा हूँ और मैंने 11th 12th और BSc तक जो है साइंस से ही किया है। इसके बाद में मैंने UPSC का टारगेट सेट किया और यहाँ पर मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। अगर आप इनका सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, देश के बारे में बहुत सारी बातें, जियोग्राफी के साथ में आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे देशों से हमारा रिलेशन कैसा है, कैसे रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, कौन से नियम बन रहे हैं, कैसे कानून बन रहे हैं, और तो और करंट अफेयर एक एक्सट्रीम लेवल की, यहाँ पर करंट लेवल की हर एक चीज़ की डिमांड होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो बस 10th क्लास तक के ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब यहाँ पर आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो आप कौन सी स्ट्रीम लें। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस साइड स्ट्रीम से होते हैं और वो UPSC में जा करके टॉप करते हैं, टॉपर बनते हैं, लेकिन उन्होंने साइंस साइड स्ट्रीम तो ली होती है, तो आप यकीन मानिए कि जो साइंस की पढ़ाई है वो सारी की सारी UPSC में काम नहीं आती है। वहाँ पर आपको इन सब्जेक्टों को अलग से पढ़ना होता है, जो कि मैंने मानविकी के यानी कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट बताए। तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही टारगेट सोचा हुआ है, वो है सिविल सर्विसेज में जाना, तो आप आँख बंद करके आर्ट साइड की स्ट्रीम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर्ट साइड आपको समाज से जोड़ता है। लेकिन अगर आप अपने पैरों को डगमगा रहे हैं, आपने कुछ और भी सोचा हुआ है, आप इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं या फिर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर कुछ और भी आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मास्टर की के रूप में केवल और केवल साइंस साइड मिलेगी। क्योंकि साइंस साइड एक मास्टर की होती है, वो आपको किसी भी जगह ले जा सकती है, लेकिन अगर आपने एक बार आर्ट्स स्ट्रीम ले ली तो आप भूल के भी साइंस साइड दोबारा कभी नहीं ले सकते। साइंस का क्या है, आप 11th में साइंस ले लो, उसके बाद कॉलेज में जाकर के आप आर्ट्स ले सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी आर्ट्स ले लिया तो आप कॉलेज में साइंस जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, फिर आपको आर्ट्स का ही कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अपना टारगेट बना लिया, आपने अपनी लाइफ का मेन एम बना लिया कि मुझे तो सिविल सर्विसेज ही करना है, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो आप आर्ट्स आँख बंद करके ले लीजिए। और आप बहुत सारे लोगों से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, आप कई सारे लोगों से भी पूछ सकते हैं कि आपके लिए साइंस साइड बेहतरीन रहेगा या फिर आर्ट्स, और डिपेंड करता है अपने ऊपर भी। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं सच में, तो अगर आप ये बोलते हैं मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो भाई आप सिविल सर्विसेज में जाने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट ही यही हैं, आपको इन्हीं से पढ़ करके जाना होगा। एक बार दोस्तों आपसे और भी बता दूं कि अगर आप अभी से ही सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं तो आप करेंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से ही शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपका दोस्तों कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, या फिर मैं एक नई डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।